हेलो दोस्तों, और बताओ चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को भारतीय राष्ट्रपति और उनकी वीटो पावर के बारे में बताया था। हमने उसको देखा था, बहुत सारी जानकारी भी हासिल करी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट को देखेंगे, यानी प्रेसिडेंट को कैसे उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। आज हम उस प्रोसेस को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस 2 मिनट की वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसा रहता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि किस केस में हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं, उनको उनकी पद से हटाते हैं। तो हमारा एक ही कंडीशन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब भी हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, अगर हमारे कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तो उस केस में उनको इम्पीच करा जा सकता है। अब हमारा इसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस दोस्तों हमारा यह है कि ईदर हाउस, यानी कि कोई भी हाउस, या तो राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये चार्जेस इनिशिएट कर सकते हैं, यानी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन चार्जेस को शुरुआत करने से पहले उन्हें नोटिस भेजनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले। समझ रहे दोस्तों? यानी कि अगर किसी भी, या तो राज्यसभा या लोकसभा को लगता है कि उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो उसको स्टार्ट करने से पहले उस राज्यसभा या लोकसभा को 14 दिन के पहले प्रेसिडेंट के पास ये नोटिस भेजनी चाहिए कि उनको किस चार्जेस के लिए ये वाला स्टार्ट होने जा रहा है राज्यसभा में डिस्कशन। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो नोटिस हमारी भेजी जा रही है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, उसमें हमारे 1/4 मेंबर का साइन होना चाहिए उस हाउस के टोटल मेंबर का। तो दोस्तों, हमारे राज्यसभा में इस समय 245 245 हमारे वहां पे टोटल मेंबर है। अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 यानी 60-70 के अप्रोक्स जो भी आएगा, तो यानी उतने लोगों का उसमें साइन होना चाहिए उस नोटिस में। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में करंटली हमारे 545 545 वहां पे हमारे मेंबर हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि करीब 135-140 के करीब हमारा 1/4 पार्ट जो भी निकलेगा। तो दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यानी इसको याद करने का सिंपल तरीका यह है कि 14 दिन के पहले ये नोटिस भेजनी चाहिए, और 14 दिन में अगर आप स्लैश लगा दें, यानी 1/4, तो 1/4 मेंबर का हमारा साइन होना चाहिए उस नोटिस में। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है दोस्तों शॉर्ट सी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जिस भी सभा ने, या तो राज्यसभा या लोकसभा, जिसने भी ये चार्जेस इनिशिएट करे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वहां पे ये वाला बिल जो है इम्पीचमेंट बिल है, 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 आप समझ सकते हैं कि ये स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3 की मेजोरिटी से उस बिल को पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये बिल हमारा उस वाली सभा में पास हो गया, तो ये वाला बिल हमारा दोस्तों हमारी दूसरी वाली सभा में भेजा जाएगा, अदर हाउस। अगर राज्यसभा में ये पहले पास करा गया, फिर इस बिल को लोकसभा में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर वो सभा भी हमारी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को, और उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को, ये अधिकार है कि वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन में वहां पे जाके बैठ सके और उस इन्वेस्टिगेशन को सुन सके। फिर लास्ट दोस्तों प्रोसेस ये है कि अगर दूसरा हाउस भी, यानी राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा भी पास कर देता है उसको 2/3 की मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट अपने पद से हटा दिए जाएंगे उसी समय। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है, जैसे हमको मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त कराए जाते हैं मेंबर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि हमारे राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो जो कि हमारे खेल, शिक्षा और अलग अलग फील्ड से होते हैं, और साथ ही 2 लोगों को नॉमिनेट करा जाता है लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ये लोग दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से, और आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ और बताओ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।